भाई साहब एक्सीडेंट। What's up everybody, this is Sagar Kamde, welcome back to yet another video। और आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं तापोला, नियर टू महाबलेश्वर, जिसे मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मिनी कश्मीर क्यों कहते हैं, ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स गो फाइंड आउट, ऐसा क्या है इस जगह में जिसकी वजह से इसे मिनी कश्मीर बोला जाता है। सो द डे स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग, पर निकलते निकलते 7 तो बच ही चुके थे। बट वी ऑल वर एक्साइटेड, यस वी, इस बार हम एक ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं। सो घर से निकलते ही वी स्टार्टेड हेडिंग ऑन मुंबई बेंगलुरु हाईवे टूअर्ड सातारा। पुणे से निकलते निकलते सबको भूख लग चुकी थी, तो वड़ा पाव और चाय बनता ही है ना। तो अभी नाश्ता हो गया है, नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर से निकल रहे हैं पुणे टू सातारा साइड में मुड़ जाते हैं। सातारा से एक राइट लेना है ब्रिज के नीचे से, देखते हैं। यहाँ से निकल के वी स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। वैसे पुणे में आप कोई भी डायरेक्शन में चले जाओ, व्यूज आपको काफी सही मिलेंगे, घाट्स, ग्रीनरीज, landscapes and everything is just amazing. This is something which I like the most about Pune. तो हमने जो सातारा के पहले जो ब्रिज आता है वहाँ से एक राइट लिया जो महाबलेश्वर जाता है, और महाबलेश्वर के आई थिंक 20 किलोमीटर्स आगे ये तापोला आता है। The roads going towards महाबलेश्वर are absolutely beautiful. There are many beautiful places in between, जैसे वाई, पचगनी। अभी तो वाई पहुंच गए हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर्स के आसपास महाबलेश्वर। रोड्स आर रियली ब्यूटीफुल, मजा आ रहा है। एंड बिफोर वी कुड रीच पचगनी, हम लोग रुके और एक पॉइंट पे जो दूर से काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, एंड ऑब्वियसली काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो वी ऑल्सो थॉट टू स्टॉप हियर। सो द बेस्ट थिंग अबाउट रोड ट्रिप्स, हम लोग कोई भी जगह पे रुक सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ, बहुत सुंदर जगह है। तो यहाँ पे अच्छा लैंडस्केप देखने को मिलता है आपको, और वैली इज़ रियली ब्यूटीफुल। मज़े किए हमने, कैसा लगा? कड़क लगा, सबको ही कड़क लगा, यहाँ पे ज़बरदस्त जगह थी। तो अभी निकल रहे आगे महाबलेश्वर, अभी भी 30 किलोमीटर्स होगा। पचगनी एंटर करने से पहले हमें कुछ एक कार टोल टैक्स देना पड़ा। सो वी आर ऑलमोस्ट नियर टू महाबलेश्वर, अभी पचगनी में, पचगनी बस स्टॉप पीछे गया है। कुछ सामान लेना था तो दोस्त उतरा है, वो सामान लेके आएगा एंड देन विल गो अहेड। तो अभी तक का जर्नी तो बहुत सही रहा, टचवुड आगे का भी रहेगा। पचगनी से महाबलेश्वर के रास्तों पे ऐसी कई जगह है जहाँ पे रुका जा सकता है, पर वी डिसाइडेड टू लेट गो। पर फिर हमने कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखी, वो था ये बोर्ड, पुस्तकांचे गांव भिलार, मतलब द विलेज ऑफ बुक्स, या बोलो किताबों का शहर। फिर क्या, क्यूरियोसिटी भी तो कोई चीज़ होती है ना। फिर टाइम देख के डिसाइड किया कि यहाँ पे वापस आते वक्त रुका जाएगा। सो अगर आपको भी जानना है इस जगह के बारे में तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो अभी अभी हम लोग महाबलेश्वर में एंटर कर रहे हैं, पकड़। ओह
और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जहाँ पे हमने और एक कार टोल टैक्स भरा और एंटर किया महाबलेश्वर में। ऑब्वियसली यहाँ पे भी काफी सारे जगह थे रुकने लायक, पर वो कभी बाद में देखेंगे। और फिर यहाँ से हमने लिया लेफ्ट टूवर्स तापोला जो था 27 किलोमीटर। बहुत ही जबरदस्त रास्ता आ रहा है महाबलेश्वर टर्न लेने के बाद। थोड़ा राइट 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 चलते हुए हम लोग आए ऐसे कुछ रास्ते पे, और तापोड़ा आई थिंक और 30 किलोमीटर के आसपास 25 किलोमीटर के आसपास पहुंचा हुआ है। तो लेट्स सी कितने देर में पहुंचते हैं, अभी और आधा घंटा पौन घंटा तो लगेगा। लेकिन रोड इज नाइस, थोड़ा ऑफ रोड टाइप्स हो रहा है। ठीक है, देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे रास्ते छोटे हो रहे थे और पेड़ घने, एकदम जंगल टाइप्स। फिर इन छोटे छोटे घाट वाले रास्तों का आनंद लेते हुए हम निकले आगे। तो भाई जब से हम चल ही रहे हैं, अभी 24-25 किलोमीटर था, 10-15 मिनट के बाद देखते हैं फिर भी 22 किलोमीटर बाकी है और वैसा ही चल रहा है। रास्ता भी थोड़ा खराब है, छोटा रास्ता, तो आराम से चलना पड़ रहा है। हाँ मजा तो मेरे को मजा आ रहा है, इन लोग का पता नहीं। तुम लोग को कैसे लग रहा है भाई लोग? ये भी सही है। सो वी आर एट दिस वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। मतलब अभी क्या कर रहे हैं ना, हम लोग आराम आराम से जा रहे हैं, वहाँ पे जाके स्टे का सब कुछ हो गया है। तो अभी जहाँ पे आए वहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पे ड्रोन उड़ाने में मज़ा आता था, लेकिन चांस नहीं ले रहे क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा है। अभी आगे भी निकलना है, ड्रोन में तामझाम बहुत होता है और टाइम बहुत लगता है। चेतन बस है कि बसुन काटा था ही बसुन काटा फोटो छाया को चेतन बगितले रे बगितले चेतन ने चला 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 चलो छोटा चेतन चलो भाई चलते हैं। अभी अपना टाइम हो गया यहाँ से। भयंकर है यार, पाउस तो पड़ेगा। बारिश नहीं है तो अपना सॉर्टेड है, अपन आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। बारिश आया तो देख। अगेन चलते चलते दापोला आने से कुछ 6-7 किलोमीटर पहले ही हमें और एक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन मिला। चाय पीने रुके थे, लेकिन उसके पीछे का जो लोकेशन है दैट इज़ रियली अमेजिंग एंड यू आर गोइंग टू सी दैट इन 1, 2, 3। आई होप आप लोगों को ये ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे होंगे। अभी मैं यहीं पे बाजू में होटल था, वहाँ पे चाय पी रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त था। हम जैसे जैसे आगे गए रास्ते और भी छोटे होते गए, पर भाई साहब आगे का व्यू तो देखो, देख के मज़े ही आ गए। तो अभी रास्ते से थोड़ा अंदर आके ये स्लोप से जाना पड़ रहा है हमें। ये थोड़ा ज़्यादा ही स्लोप लग रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन स्लोप काफी बड़ा है और व्यू भी काफी सही है। वी वर सो एक्साइटेड। आगे पानी के पास वाला ही अपना आज का स्टे है, जस्ट नेक्स्ट टू द रिवर। ये अपना आज का लोकेशन भाई, सीन तो देखो एकदम पानी में लग के ना। फाइनली एट द लोकेशन, गाड़ी पार्क की है और ये व्यू है और यहाँ पे हमारा रिसोर्ट है और ये एग्रो टूरिज्म रिसोर्ट है। तो सामान तो है अपने पास, एक बैग ड्रोन का, एक बैग गोप्रो का, एक बैग लैपटॉप, कपड़े, ये कुछ जगह है और ऐसे कुछ है, पूरा हरा भरा है।
और ये कुछ एक्टिविटीज़ भी कराने वाले हैं हम लोगों से, मतलब यहाँ पे आके एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। तो आराम से ये भी रिकॉर्ड करूँगा, अभी जाते हैं अपना टेंट बोलो या फिर जो भी रूम रहेगा जहाँ पे भी हमारे स्टे के लिए इन्होंने जगह की होगी। तो लेट्स गो देयर, लेट्स सी हाउ इज़ इट। तो राइट नाउ वी जस्ट हैड फूड, आने के बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह होके हम लोग खाना खा लिए, और खाना खाने के बाद अभी पता चला है कि जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि कायाकिंग और स्विमिंग, ये होने वाली है शाम में 4 बजे के आसपास। तो तब तक के लिए हमारे पास टाइम है, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए, जगह कैसी है, क्या चीज़ें हैं जो हम कल निकलते वक्त तक कर सकते हैं। अभी GoPro वगैरह नहीं लेके, अभी फ़ोन पे ही शूटिंग चल रहा है, तो थोड़ा क्वालिटी इधर उधर हो सकता है क्योंकि धूप बहुत हार्श है। तो दोपहर की कुछ भी एक्टिविटीज़ प्लान नहीं है हमारी, सब कुछ जो भी है शाम का ही है। मैं अपने टेंट का भी एक वॉक थ्रू दे दूंगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है? फिर टूअर्ड स्टे, ये ऐसा पूरा सीन है। ये फ्रंटियर है, यहाँ पे जो कोयना रिवर है वो है, और ये हमारा आज का टेंट लॉक, और इसी का तो ऐसा टेंट है। आराम से यहाँ पे दो तीन लोग, और यहाँ पे एक बंदा आ सकता है। यहाँ पे पूरा सामान फैला दिया हम लोगों ने, और इधर है वॉशरूम जो काफ़ी डिसेंट सा है। सो आई विल, दैट्स इट अबाउट द रूम। एक तो अभी थोड़ा आराम करके निकले, 4 बज गए। अभी जो हमें कायाकिंग के लिए लेके जाने वाले हैं वो भैया अभी तक आए नहीं है, तो वी आर वेटिंग। और वेट करते वक्त हम लोगों के प्रो प्लेयर दाएं बाएं दोनों हाथ से खेल रहे हैं, ये देखो एकदम प्रोफेशनल ओवर एक्टिंग, वो देखो कूद कूद के चल रहा है, बस यही चल रहा है फिलहाल। तो अभी थोड़ी देर में कायाकिंग के लिए निकलेंगे, फिर स्विमिंग वगैरह होगा, तो देखते हैं। ऑल सेट फॉर कायाकिंग, हमारे इंस्ट्रक्टर आगे जा रहे हैं, उसके बाद हमारे साथी लोग। ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस होने वाला था कायाकिंग का, तो मैं पर्सनली तो काफ़ी एक्साइटेड था। वी आर ऑल सेट टू गो पानी में, लुक एट दिस। और ये रहे अपने कायाक्स। फाइनली अपना ड्रोन शॉट्स हो गया है, सनसेट कैप्चर किया है, फोटोज निकाले हैं मस्त। आई थिंक दिस इज़ गोना बी फन, आपने देख लिया होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये ड्रोन शॉट्स, ये सनसेट वाले शॉट्स कैसे लगे। शाम में कायाकिंग के बाद वी टुक सम रेस्ट एंड फिर कुछ एक्टिविटीज़ की, जैसे आर्चरी, कैरम खेले विद दिस क्यूट लिटिल किड, एंड लेटर दैट वी एंडेड आवर डे विद दिस बोन फायर। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, और यहाँ पे सीन कुछ ऐसे हो रहा है।
हे गाइस, अभी अभी मस्त ड्रोन शॉट्स लिए, बहुत अमेजिंग आए, मतलब मेरे को तो पसंद आया। आप मुझे बताओ कि आपको कैसे लगे। अभी टाइम कुछ हुआ है 7:30 एंड बिफोर लिविंग तापोला वी वांटेड टू शूट अ सिनेमैटिक सीक्वेंस जो आप अभी देखोगे। सब मस्त चल रहा है, बहुत देर हो गया, एक मस्त सिनेमैटिक सा सीक्वेंस बनाया है मैंने। आई एम नॉट श्योर आपको वो कैसा लगेगा, आई होप कि वो अच्छा लगेगा आपको, लेट्स सी। इसके बाद वी हैड अ ब्रेकफास्ट। वी आर जस्ट डन विथ एवरीथिंग, यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया है और बैग जैसे कि आप देख सकते हो सब पैक हो गया है। अभी हम निकल रहे हैं और अगला प्लान है यहाँ पे एक सिटी ऑफ बुक्स करके, मतलब पुस्तकांचे शहर मराठी में बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं और देखते हैं अगर आज हम कहीं पे रुक पाते हैं तो रुक लेंगे, क्योंकि सिंस इट इज़ सैटरडे बहुत सारे लोग हैं, होटल बुकिंग थोड़े पॉसिबल नहीं है, तो अगर होता है तो हम लोग रुकेंगे, नहीं तो फिर आज ही पुणे हो जाएगा। सो बिफोर लिविंग तापोला लेट मी आंसर योर क्वेश्चन व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मिनी कश्मीर। सो इट्स बिकॉज ऑफ द स्टनिंग व्यू ऑफ सह्याद्री हिल्स एंड कोयना रिवर। और जिस तरीके से ये तापोला शहर कोयना और सोलशी रिवर के किनारे परफेक्टली बसा हुआ है, विच मेक्स इट फील लाइक कश्मीर। फिर महाबलेश्वर में थोड़ा हेवी ट्रैफिक फेस करने के बाद हम पहुंचे पुस्तकांचे गांव भिलार में। यहां तो पहुंचने के पहले कंफ्यूज था कि शुरू कहां से करना है, क्योंकि यहां पे हर जगह पे अलग अलग बुक्स की लाइब्रेरी वाले बोर्ड दिख रहे थे, उसी के चक्कर में हमने पूरा गांव देख लिया एंड फाइनली वी एंडेड एट द राइट प्लेस जो थी एक लाइब्रेरी, जहाँ से हमें जगह के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ हमें पता चला दिस इनिशिएटिव वाज टेकन बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट फ्यू इयर्स बैक। आज की डेट में यहाँ पे ऐसी 35 लाइब्रेरी शुरू है और सब अलग अलग जेनर के लिटरेचर्स के बारे में है। मोर इम्पोर्टेंटली ये लाइब्रेरीज के लिए यहाँ के लोगों ने खुद की जगह लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए दी है, बस गवर्नमेंट ने कुछ सेटअप अरेंज करके दिया है और आप यहाँ पे किसी भी वक्त जाके लिटरेचर्स पढ़ सकते हो। यू डोंट इवन नीड परमिशंस, जस्ट गो एंड फाइंड योर फेवरेट बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग और बाय इफ यू वॉन्ट टू। दिस इज लाइक अ पैराडाइज फॉर ऑल ऑफ द रीडर्स आउट देयर, सो You should definitely visit। प्राची ने ये एक बुक ली है जो वो पढ़ने वाली है आज से, तो yes, I think this is it about this place। यहाँ से निकल के अपनी रिटर्न वाली जर्नी शुरू हो गई। सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एज मच एज आई डिड। इफ यस देन डू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मोर इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब इफ यू हैवेंट ऑलरेडी एंड टू गेट नोटिफाइड फॉर द फ्यूचर वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।